योगी आदित्यनाथ जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो नामों को लेकर सस्पेंस है वो अभी बनाए रखा जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि नंदगोपाल नंदी जो है वो कैबिनेट में आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल 100% उनको यूपी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुरेश खन्ना को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे, देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन चूंकि ये था कि पहले कि सभी को एक साथ बुलाया जाएगा तो फिलहाल सभी को एक साथ नहीं बुलाया गया है, अलग अलग मंत्रणा की जा रही है। और अब चूंकि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे विधायकों की धड़कनें भी जो है वो तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो लखनऊ पहुँचे हुए हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फ़ोन आ जाए। से दोबारा लेकर आया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इतिहास पुरुष बन गए। क्यों कि 5 साल तक उन्होंने जनता के बीच में जो काम किया है प्रदेश में उस पर ये मोहर है जनता की। सर कई बार से आप जीतते आ रहे हैं लगातार, उसके बाद क्या अपेक्षा है इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार से आपकी? मंत्रिमंडल विस्तार में हमारे अच्छे नेता कार्यकर्ता ये लिए जाएंगे और जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी सब लोग ईमानदारी के साथ आप भी शामिल प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। आप भी मंत्रिमंडल में?